मूवी के स्टार्टिंग में हमें 19 जनवरी 1990 में कश्मीर के एक सीन को दिखाया जाता है, जहां शिव और अब्दुल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। शिव एक बड़ा शॉट मारता है और बड़े गर्व से सचिन का नाम लेने लगता है। वहां पर खड़े कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो शिव के पास आकर कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं, और शिव को मारने लगते हैं। उसका दोस्त अब्दुल जैसे तैसे उसे वहां से बचाकर ले जाता है। 1990 कश्मीर का वो वक्त था जब कश्मीरी पंडितों से उनके घरों में रहने का हक छीना जा रहा था। इस आतंक को फारूक अहमद लीड करता था, जिसे लोग बिट्टा कराटे के नाम से भी जानते थे, जो अपने साथियों को भाषण दे रहा था कि ये वतन हमारा है और यहाँ हुकूमत भी हमारी ही चलेगी। आगे हम देखते हैं कि एक औरत अपनी बीमार बेटी को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है और पुलिसमैन उन्हें रोक लेता है और बताता है कि सभी को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है, तो वो आगे ना जाए क्योंकि आगे बहुत खतरा है। तभी वहां एक टेररिस्ट आ जाता है और पुलिस वाले को मार देता है। वो उस औरत से कहता है कि वो उसकी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराएगा। ये सुनकर वो उस टेररिस्ट के मुंह पर थूक देती है और वो गुस्से में आकर उसके सिर में गोली मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर नाथ था। वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था क्योंकि वो काफी समय से घर नहीं लौटा था। काफी देर ढूंढने के बाद शिव और अब्दुल दोनों उसे मिल जाते हैं और वो दोनों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। तभी पीछे से एक आर्मी की जीप आती है और कहती है कि वो उनके पीछे आएं। बट जैसे ही आर्मी की जीप थोड़ा आगे बढ़ती है, वो ब्लास्ट हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर को देखते हैं, जहां बिट्टा कराटे अपने टेररिस्ट दोस्तों के साथ घुस आए थे और उसके बेटे को ढूंढ रहे थे, जिस वजह से उसका बेटा एक गेहूं के ड्रम में छुप जाता है। लेकिन आतंकवादियों को उसके वहां छुपे होने की खबर मिल जाती है और वो उसे उसी ड्रम में गोलियों से मार डालते हैं। वहां बैठी शिव की माँ, जिसका नाम शारदा था, वो ये सब अपनी आंखों से देखकर काफी डर जाती है और तभी वहां पर पुष्कर भी आ जाता है। अब आगे वो बिट्टा कराटे शारदा को उसके पति के खून से सने हुए गेहूं देता है और कहता है कि अगर उसने ये खा लिया तो वो उसे और उसके बच्चे को छोड़ देगा। शारदा अपने बच्चे को बचाने के लिए खून से सने हुए गेहूं खा लेती है। सीन यही कट होता है और हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहां हम ब्रह्मदत्त नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी कश्मीर में रह रहा था और वहां पर पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित उससे मिलने आता है, जो कि अब दिल्ली में रह रहा था। वो अपने साथ अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियों को लेकर आया था क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। कृष्णा के वहां पहुंचने से पहले ही वहां कुछ लोग आए होते हैं जो कि कभी पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। महेश जो कि एक डॉक्टर थे, हरि नारायण जो कि एक समय में डीजीपी थे और विष्णु राम जो कि एक जर्नलिस्ट था। लेकिन कृष्णा को अपने माँ और पापा की डेथ कैसे हुई और कब हुई, इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे ऐसा बताया गया था कि उनकी डेथ एक स्कूटर एक्सीडेंट में हुई थी। यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं था कि उसके माँ और पापा दिखते कैसे थे। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ कृष्णा प्रोफेसर राधिका के लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका यहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है क्योंकि कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और ये उसी टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग प्रोफेसर राधिका इसके अगेंस्ट थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कश्मीर इंडिया का पार्ट रहे। राधिका ये भी कहती है कि 1998 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और ना ही किसी पंडित को मारा गया था। उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को ये सब सच लगने लगा, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपने साइड करती जा रही थी। और फिर सीन साल 1980 में शिफ्ट होता है, जहां पुष्कर आईएएस ऑफिसर ब्रह्मा से मिलने जाता है और उससे कहता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की जरूरत है और खास करके उसके बेटे को, क्योंकि बिट्टा कराटे ने उसे इंडियन पुलिस के मुखबिर का नाम दिया है। और ब्रह्मा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि पुष्कर और ब्रह्मा रास्ते पर जा रहे थे और पुष्कर सब्जी लेने लग जाता है और वो सब्जी वाला पैसे रिटर्न करते वक्त पाकिस्तानी करेंसी दे देता है और पुष्कर के टोकने पर वो उससे लड़ने लगता है। ये सब देखकर ब्रह्मा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे अरेस्ट करवा देता है। और फिर ब्रह्मा वहां के सीएम से पंडितों की सेफ्टी के लिए बात करने जाता है, जिस पर सीएम उसे ही दोषी ठहराने लगता है और कहते हैं कि वो यहां का आईएएस है और शांति बनाए रखना उसका काम है।
सीएम उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो बिट्टा कराटे से बात करने लगता है। मतलब कि सीएम खुद भी बिट्टा कराटे से मिला हुआ था और फिर ब्रह्मा बिट्टा कराटे को गोली मार देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां पर ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसके माँ और पापा की तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि लोग कश्मीर से खाली हाथ अपनी जान बचाकर भागे थे, इसीलिए कृष्णा ने आज तक उन्हें देखा ही नहीं था। अब यहाँ ब्रह्मा जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा उससे कहता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित छोड़कर निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे। और कश्मीर में जो लोग टेररिस्ट बन रहे हैं उनके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। अगर आप उनके बच्चों को जीप से बांध के घसीटोगे और एक ही वजह से सभी को टेररिस्ट बुलाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग टेररिस्ट ही बन जाएंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की ये बातें सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो कृष्णा को फ्लैशबैक में ले जाता है। अब सीन फिर से उसी रात को शिफ्ट होता है, तब बिट्टा कराटे शारदा को उसके पति के खून से लिपटे हुए गेहूं खाने को बोल रहा था और शारदा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्हें खा लिया था। इसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करके बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी है और वो उससे ये भी कहता है कि जब पूरे इंडिया के साथ यही होगा तो याद रखना कि तुम भी जिम्मेदार होगे। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहां से जाने लगता है और कश्मीर से कुछ दूर एक टेंट में रुकता है। वहां उनके जैसे और भी हजारों लोग होते हैं जिन्हें इंडियन आर्मी बचाकर लाई थी। वो लोग वहां से खाली हाथ भागे थे, इसीलिए उनके पास एक भी चीज अवेलेबल नहीं थी, ना स्लीपर्स, ना पहनने के लिए कपड़े और ना ही खाने के लिए खाना। थोड़ा बहुत खाना आर्मी ही अरेंज कर देती थी। अब वो सभी इसी आस में जी रहे थे कि कभी ना कभी तो वो लोग वापस अपने घर जरूर जाएंगे। कुछ दिन बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब एक दिन ब्रह्मा वहां आता है जो कि अब होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका था और उसके साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उनसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफी बुरा फील करता है क्योंकि उसकी आंखें काफी हद तक खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुका था, जिस वजह से वो ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाता। अब ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलता है और कहता है कि वो उन्हें पास में एक घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिलवा सकता है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं, पर यहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ हम बिट्टा कराटे को देखते हैं जो खुद टेररिस्ट था और फिर भी मीडिया तक पहुंच जाता है और वहां पर उसका एक इंटरव्यू भी होता है जिसमें वो कहता है कि मैंने सिर्फ 20-25 लोगों को ही मारा है क्योंकि वो लोग आरएसएस से थे और वो खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और टीवी पर पुष्कर को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये मीडिया तक पहुंच गया, कुछ दिन बाद पीएम तक पहुंच जाएगा और मैं जो इतने सालों से उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कभी कामयाब ही नहीं हो पाता। फिर आगे हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। मरने से पहले वो कृष्णा से अपनी आखिरी इच्छा बताता है कि उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में बिखेर दिया जाए। अब ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को उसके घर पे ले जाते हैं और वो अपने दादाजी की अस्थियों को वहां पर बिखेर देता है। अब वहां से सारे काम निपटाने के बाद वो एक आदमी के साथ बिट्टा कराटे से मिलने जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके भाई शिव का दोस्त अब्दुल था। फिर रास्ते में कृष्णा उससे सारी बात पूछता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अब्दुल उसे अपने मन की बात बताने लगता है और कृष्णा उसकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। वो उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के दुश्मन नहीं थे, बल्कि शिव तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब हम देखते हैं कि कृष्णा बिट्टा कराटे के पास पहुंच चुका है और वो भी उससे यही कहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। फिर बिट्टा कराटे अपने आप को महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर से कंपेयर करता है और ये सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बिट्टा कराटे बिल्कुल सही कह रहा है। बस इसी बात पर घर जाकर वो ब्रह्मा से झगड़ा कर लेता है। वो उसे खूब खरी खोटी सुनाता है, पर अब जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो ब्रह्मा गुस्से में आकर कृष्णा के सामने 3 फाइल्स लाकर रख देता है। जब कृष्णा उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ की फोटोज थी जिन्हें बिट्टा कराटे ने ही मारा था।
ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस अपने कॉलेज में जाता है, जहां राधिका एक सॉन्ग गा रही थी जो कि असल में स्टूडेंट्स को कश्मीर के लिए मिस गाइड करने के लिए था। फिर जब राधिका कृष्णा को देखती है तो उसे एक स्पीच देने को बोलती है, क्योंकि वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। और अब वो समय आता है जब सभी को सच पता चलने वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम ऋषि कश्यप था, और उन्होंने वहां पर काफी वक्त तक श्रद्धा की और ज्ञान हासिल किया, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कश्मीर पड़ा। ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहां पर बहुत सारी रिसर्च की, और इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहां पर कुछ टेररिस्ट्स आए जो कि शुरू में तो वहां पर रहने आए थे, पर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है, और फिर उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा और उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, जबकि इस्लामिक बुक में यह लिखा है कि किसी को भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाया या जबरदस्ती मुस्लिम बनाना सख्त मना है। लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ पंडितों को ही नहीं मारा, इसके अलावा जो मुस्लिम उनके खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उसे मुस्लिम का दुश्मन मान लिया जाता था। इसी तरह उन्होंने मेजॉरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी में बदल दिया, और बाकी के 5 लाख पंडित वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गए। आज तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। बट कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से निकाल दिया गया और वो लोग अपने घर वापस जा भी नहीं सकते थे। उसकी पूरी स्पीच में लोगों ने उसे कई बार रोकने की कोशिश भी की, पर अब कृष्णा को सच समझ में आ गया था और वो इसीलिए बिना रुके बोलता गया। कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को तो बस इंडिया पाकिस्तान करने वाला चाहिए, लेकिन कोई भी भुखमरी की बात नहीं करता, कोई किसी कमजोर पर हो रहे जुर्म की बात नहीं करता, और हमारे भोले भाले हिंदू मुस्लिम भाई उनकी बातों में आकर लड़ने लगते हैं। इसके बाद कृष्णा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने भाई और माँ की कहानी सुनाता है, और इसी के साथ कृष्णा की स्पीच फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जिस दिन उसकी माँ और भाई को मारा गया था। यहाँ हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी फैमिली के साथ घर में ही था, और फिर बिट्टा कराटे और उसके लोग वहां पर आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं और उस पूरे एरिया पर कब्जा कर लेते हैं जिसे IAS ब्रह्मा ने उन्हें रहने के लिए दिया था। फिर बिट्टा कराटे वहां पर जाते ही शारदा को सबके सामने हरास करने लगता है, और फिर उसे बड़ी बेरहमी से आरे से उसके 2 हिस्से कर देता है, और फिर एक एक करके वहां पहुंचे सभी लोगों के सिर पर गोली मार देता है, और इसी तरह से इस कहानी का अंत होता है।